अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू टेक्नोलॉजी वर्ल्ड कराची। आज मैं आपको बताऊंगा कि फ्लैश में हम किस तरह से पिक्चर इंसर्ट करते हैं और उसे हम वहीं पर रहते हुए कटिंग भी कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं और विथ एनिमेशंस। ठीक है, तो मैं आज आपको एक एनिमेशन बना करके दिखाता हूँ और उस पर जो है मैं पहले एक पिक्चर इम्पोर्ट करता हूँ। इम्पोर्ट टू लाइब्रेरी, लाइब्रेरी पे जाइएगा, आपके पास जहाँ के भी पिक्चर्स आप वहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास मीडिया पिक्चर्स, एवन पिक्चर्स एंड देन हमारे पास होगा बैकग्राउंड। मैं इसमें से एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करूँगा, तो मेरे पास ये रहा बैकग्राउंड। ठीक है, तो देख सकते हैं हम यहाँ पे बैकग्राउंड इंसर्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे एक कार की पिक्चर को इंसर्ट करूँगा। अगेन जाते हैं इंपोर्ट लाइब्रेरी और यहाँ पे कार का फोल्डर होगा, ये रहा, और इसमें मैं एक फ्रंट फेस वाला कार देखता हूँ, ये रहा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ चुका है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड को चाहता हूँ वो यहाँ पर आ जाए। ठीक है, लेयर ये मौजूद है, इसका नाम मैंने चेंज कर दिया बीजी, और ट्रांसफॉर्म लेकर के मैंने इसको एडजस्ट कर देना है अपने पूरे स्टेज के मुताबिक। क्या मैं शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकता हूँ, कंट्रोल के। यहाँ पे आने के बाद मैंने टू स्टेज ऑन किया है और उसको मैच विद एन हाइट एंड देन सेंटर एंड सेंटर मैंने कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी काम करूँ इस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, मैंने इसको क्या किया, यहाँ से लॉक कर दिया। ठीक है, और फिर मैंने न्यू लेयर लिया और यहाँ पर मैंने इसका नाम रखा है कार। इसके अंदर जो है हम कार इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो लाइब्रेरी पे आते हैं। लाइब्रेरी पे आने के बाद यहाँ पे कार ये रहा, इसको मैंने यहाँ पे ट्रैक किया। ठीक है, कार काफ़ी बड़ा है, कोई मसला नहीं है। और सबसे पहला काम, अब इसको कट करने से पहले आप क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। आप राइट क्लिक करके भी ब्रेक कर सकते हैं ब्रेक अपार्ट, या फिर आप कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ जूम और मैं एक्स्ट्रा चीज़ों को फ़िलहाल हाइट कर रहा हूँ। ठीक है, इस वर्क स्पेस को भी मैंने इतना ऊपर कर दिया। और यहाँ से मुझे लेना है लाइन, लाइन का कलर ऐसा रखना है कि आपको ईजी नहीं आता रहा, तो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर रख दिया। ठीक है, सॉरी ये नहीं, स्ट्रोक कलर, यहाँ से कि मैंने ये ग्रीन रखा। फिल कलर मैंने कर दिया है बंद, क्योंकि मुझे लाइन चाहिए, मैंने लाइन रखा यहाँ पर। और मैं इसमें लाइन ड्रॉ करता जाऊँगा, एक लाइन यहाँ से यहाँ। ठीक है, अच्छा, अब लाइन ड्रॉ करने के अलावा आपको एक और चीज़ नोट करना है कि जब मैं लाइन ड्रॉ करूँ मेरे पास ये ऑब्जेक्ट ड्राइंग ऑन ना हो। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, कंट्रोल जेड किया, मैंने ऑब्जेक्ट ड्राइंग को ऑफ कर दिया। अब मैं दोबारा इसको ड्रॉ करता हूँ यहाँ से यहाँ, फिर एक लाइन यहाँ से यहाँ, फिर ये यहाँ से यहाँ हो गया। ठीक है, स्पेस बार दबा करके आप मूव कर सकते हैं जैसे फोटोशॉप में होता था, सेम एज इट इज़। फिर एक ये यहाँ से यहाँ, फिर ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से इसको मैंने किया इस तरफ। ठीक है, एंड देन इसको मैंने किया इस तरफ, ये इधर गया, ये इस तरफ आएगा, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। अगर आपको ये ऐसा मूवमेंट का प्रॉब्लम है तो आप जूम मज़ीद कर लीजिएगा। ठीक है, जितना जूम करके काम करेंगे आपके लिए उतना परफेक्ट काम होगा। तो मैं डिलीट कर देता हूँ कंट्रोल माइनस, और मैंने इसे यहाँ से यहाँ तक ट्रैक किया, फिर ये यहाँ से यहाँ तक आया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैं ऐसे पॉइंट से पॉइंट चल रहा हूँ। ये चीज़ आपको भी फॉलो करना है, पॉइंट टू पॉइंट बहुत ज़रूरत है, वरना ये आपके लिए फिर सही प्रॉपर काम नहीं करेगा। बीच से एक भी गैप रह जाएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ से इधर किया है, ये इधर चला गया। ठीक है, और ये फिर यहाँ से इसको मैंने मूव किया यहाँ पे, फिर ये इधर थोड़ा सा राउंड होगा, ये इधर थोड़ा सा राउंड नहीं है, इधर करना होगा। ठीक है जी, ये इस तरफ आ गया है, ये इस तरफ आ गया है, और इसे यहाँ पे थोड़ा सा राउंड, फिर ये मज़ीद स्ट्रेट हुआ और यहाँ से थोड़ा सा राउंड हुआ है ये। ठीक है, और यहाँ से ये फिर इसको इतना सारा मैंने रखा, और फिर ये यहाँ से यहाँ हुआ, फिर ये यहाँ से यहाँ हुआ, एंड देन ये इधर, फिर इधर, फिर ये इस तरफ हुआ, फिर ये इस तरफ हुआ, ये इधर हुआ, ये इस तरफ,
ये इस तरफ, ठीक है जी, और फिर ये इस तरफ हुआ, फिर ये इस तरफ हुआ, फिर ये इधर गया, यहाँ से यहाँ एक शॉर्टकट, एक शॉर्टकट, देन इधर, फिर इधर, और मैंने लाके से मिला दिया। अब मुझे यहाँ से लेना है अपना सिलेक्शन टूल, ठीक है। सिलेक्शन टूल लेने के बाद आपको लाइन पे क्लिक नहीं करना, जस्ट आपने क्या करना है, इसके साइड पे आना है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे एरो के साथ एक राउंड सा साइन शो कर रहा है, तो आपने इसको यूज़ करते हुए अपने लाइंस को एडजस्ट करना है इसके शेप के मुताबिक। अगर ये सही नहीं लग रहा, थोड़ा सा इसको इधर मूव कर सकते हैं आप, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं इसको कॉर्नर पॉइंट को भी एडजस्ट कर सकता हूँ, राउंड को भी कर सकता हूँ, मुझे राउंड करना है यहाँ से, मैंने इसको इतना राउंड किया, इसे भी राउंड करना है, ये इधर राउंड हो गया, ठीक है जी। तो आपने एडजस्टमेंट कर करके सारा काम करना है, ओके। फिर ये इधर चला गया थोड़ा सा राउंड होके, ये इधर आ जाएगा, ये इस तरफ आ गया, ठीक है। ये थोड़ा सा राउंड होकर के ऊपर हो जाएगा, ये राउंड होकर के जाएगा इस तरफ, ज़्यादा हो गया राउंड, कोई मसला नहीं, मैं थोड़ा सा नीचे कर दूँगा, ठीक है। और इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं, चलेगा इतना, ठीक है जी। फिर मैंने इसको इधर मूव किया, ये भी सही है, ये मैंने इसको इस तरफ से ऐसे मूव किया, और इसको मैंने मूव किया यहाँ से यहाँ, ये इधर आ गया, ये इस तरफ आ गया, ये भी चलेगा। फिर मैंने यहाँ से इसको मूव किया, एंड देन ये इधर आ गया। तो आप इस तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ये इधर मूव हो गया है, इसको थोड़ा सा राउंड यहाँ से कर देते हैं, चलेगा इतना, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। आप अगर चाहें तो आप जैसा भी सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा सा इधर मूव किया, ये थोड़ा सा इस तरफ से ऐसे जाएगा, और फिर ये भी सही है, ये भी सही है, ये थोड़ा सा राउंड होगा इस तरफ, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जब इसको किया है तो इसे गिर्द पूरा एक ग्रीन लाइन बन चुका है, ठीक है। लाइन कहीं से भी बीच में फासले नहीं होना चाहिए, सारे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होना चाहिए, एंड देन अब आप सिलेक्शन लेंगे। अब जैसे इस पिक्चर के बाहर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं सिर्फ बाहर का एरिया सिलेक्ट हुआ है, अंदर का नहीं हुआ है। तो अब मैंने क्या किया, डिलीट का बटन प्रेस कर दिया, ठीक है। जब डिलीट का बटन प्रेस कर दिया है तो मैंने अगेन प्रेस किया है यहाँ पे इस लेयर के डॉट पर, तो इससे क्या हुआ, मेरा ओवरऑल सिलेक्शन इसके अंदर बन चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसमें से स्ट्रोक्स हटाना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा स्ट्रोक कलर, एंड देन मैंने यहाँ से इसका स्ट्रोक ऑफ कर दिया, तो क्या हुआ, मेरा पिक्चर कट हो चुका है। अब इसको कट होने के बाद मैंने इसको क्या करना है, ग्राफिक्स में कन्वर्ट करना है, तो मैंने प्रेस किया F8, और ग्राफिक में आने के बाद मैंने इसका नाम दे दिया है कार, ठीक है। ये कार इस तरफ है, ट्रांसफॉर्म करते हैं इसे, हम छोटा कर देते हैं, बिल्कुल छोटा सा, मुन्ना सा, ठीक है। और इसको मैंने रखा है इस जगह पे, ओके। तो अब मैं चाह रहा हूँ ये कार ऐसे मूव होता हुआ इस तरफ आ जाए, तो अब मैं क्या करूँगा कि तकरीबन 90 तक ये यहाँ पर आ जाए, मैंने क्या किया, F6 किया, ओके। इसके बाद ये पॉइंट मैंने पकड़ा, इसको यहाँ तक मूव किया, और कार को मैं कर दूंगा बड़ा, ठीक है। ये कार यहाँ तक बड़ा हो चुका है, यहाँ तक आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इस कार के ऊपर मैंने लेना है गाइड लेयर, ठीक है। एड मोशन गाइड यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। इसमें कोई पॉइंट नहीं लगना, याद रखिएगा, मोशन गाइड बाद में लेना है, जब भी आप एक्सेस करेंगे उसके बाद। तो अब मैंने यहाँ से क्या किया है, यहाँ से लिया मैंने लाइन टूल, ठीक है। और एक पॉइंट मैंने यहाँ से इसको ऐसे डायरेक्टली ड्रॉ कर दिया, बल्कि नहीं, मैं डायरेक्टली लाइन नहीं लूँगा, मैं लूँगा पेन टूल, ठीक है। एक क्लिक इधर किया, एक इधर किया, एक इधर किया, और एक इधर किया, ठीक है। ये हो चुका, लाइन बन गया मेरा। अब मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल लिया और इसको मैं एडजस्टमेंट कर दूँगा, ये इधर से इधर आएगा, ये यहाँ से इधर जाएगा, और ये इस तरफ ऐसे जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि मुझे इसे ज़ूम करना है सिलेक्शन टूल लेने के बाद, ठीक है। सिलेक्शन आ गया, मैंने कार पे क्लिक किया, देखिए कार का प्लस का साइन आ रहा है, इसको पकड़ के आपने इस लाइन पे एडजस्ट किया, और एंड वाले फ्रेम पे आ जाएं, ठीक है। कौन से फ्रेम पे, कार वाले फ्रेम पे, और इसका ये वाला पॉइंट पकड़ के इसके यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया,
ठीक है। और इसके बीच में मैंने लगा दिया किस में, कार वाले लेयर पे आके मैंने लगा दिया मोशन, इसे मैं बड़ा कर लूँगा और इसे मैंने कर दिया मोशन, तो कार जो है वो इस तरह से चलता हुआ बड़ा होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वहाँ पे ज़्यादा वो लग रहा है कि काफ़ी बड़ा हो गया इस तरफ से, तो आप ये कर सकते हैं कि इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लाइक ये यहाँ से यहाँ तक छोटा रहे, ठीक है। आपने क्या किया, F6 किया, कार का साइज़ बड़ा है, इसको आप छोटा करें ट्रांसफॉर्म रख के, ठीक है। ये आपने कर दिया इस तरह से, तो देखें ये ऐसे ही छोटा आ रहा है, ये फिर यहाँ से आता थे इधर आ गया। अच्छा, अब एक और मसला है कि आपको लग रहा है कि कार थोड़ा सा इधर जा रहा है, तो आप यहाँ पे गाइड पर आएँ, ठीक है, सिलेक्शन टूल लें और इसका मूव कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। देखें ये ऊपर चला गया, इसको भी आप पकड़ के थोड़ा सा इधर मूव कर दें, तब आप मूव करें, देखें ये कार उसी लाइन को फॉलो करता हुआ आएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर इसको आपने और मज़ीद थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे मूव करना है, तो देखें ये, ठीक है, ये यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कर्व करना है, इसको थोड़ा सा ऐसे उठाना है। अब ये ब्रेक नहीं है, आपको मज़ीद लाइन लेके काम करना होगा, तो ये सही होगा। मैं जूम करता हूँ, आई थिंक वो कॉर्नर पॉइंट ऐसा ख़त्म हो गया। एक काम करते हैं, मैं इस लाइन को कर देता हूँ कंट्रोल जेड करता हूँ पहले, क्योंकि इससे मैंने कॉर्नर पॉइंट्स बनाए हुए थे, ठीक है। ये रहा कंट्रोल वाई, ये ऐसा कॉर्नर पॉइंट बना हुआ है, ठीक है। इसको मैं मज़ीद ऐसे ऊपर कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि अब क्या होता है, इसको भी आप थोड़ा सा पकड़ के इधर मूव कर दें, तो देखें क्या होता है, ये कार यहाँ से आया, ठीक है, ये इधर मूव करेगा और कॉर्नर पॉइंट पे अगेन जाते हैं, ये रहा, इसको थोड़ा सा आपने इस तरफ से मूव कर दिया ऐसे, ठीक है। और फिर आपने इसके पॉइंट टू पॉइंट एडजस्टमेंट करना है सारी चीज़ों को वापस, तो ये इस तरफ जाएगा और ये वाला पॉइंट जा करके हमें इसके यहाँ पे सेट करना, ठीक है। सॉरी, ये आप देखें ये इधर चला गया, ठीक है, और ये फिर इधर आया, ये कार इधर चला गया। तो आप इस तरह से अपने एनिमेशंस को बना सकते हैं। ठीक है जी, आपको स्पीड बढ़ाना हो तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, यहाँ से फ्रेम रेट में इसका बढ़ा देता हूँ तकरीबन 25, कंट्रोल एंटर, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह से ये आ रहा है आपके पास। तो ये एक था हमारे पास कि हम पिक्चर किस तरह से कटिंग कर सकते हैं और उसमें हम मोशन गाइड लगा करके गाइड लेयर के थ्रू मज़ीद और भी काम कर सकते हैं। तो आपके माइंड पे किस टाइप का आइडिया आता है, उसको आप जब यूज़ करेंगे, उसको यूटिलाइज़ करेंगे, तो ही आप कुछ मज़ीद कर सकते हैं और आप कुछ जब आप करेंगे तो ही आप सीखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, आज के लिए इतना काफ़ी है, जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।